RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. जरूर पूछा सकते हैं। तो हमारे बीच में स्टार इमराल्ड एक्सीवर है मनीष सर, तो एक बार मनीष सर के लिए जोरदार ताली। सबको नमस्कार। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज बड़ा ही खास दिन है, आज बहुत कुछ सीखने का दिन है। साथियों, मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट जॉब करता था। 2018 में मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मेरे को फुल टाइम करना है, और ये कहीं ना कहीं मेरा एक सपना भी था कि मेरे को पैसे के लिए कोई गुलामी नहीं करना पड़े, किसी का बात नहीं सुनना पड़े। और मैंने 2018 मार्च से फुल टाइमर हूँ, और आगे मेरा बहुत सारा टारगेट है, बहुत सारा विजन है। एक विजन मैं आपको ये कहना चाहूँगा साथियों कि अभी हो सकता है कि आरसी में कामयाब होना आपके लिए ऑप्शन हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं हो जाऊं, करूं ना करूं, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा पछतावे का विषय हो सकता है। आपको लगेगा कि मेरी मती मारी गई थी जो मैंने इस बिजनेस को हाँ नहीं बोला, मैंने ज्वाइन करके छोड़ा। आने वाले समय में बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है। तो आज हमारे सामने बहुत अच्छा टाइम है कि हम डिसीजन लें, आज बहुत शानदार ट्रेनिंग लें और अपना माइंड सेट करें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू। और मेरी वाइफ है जो हर पल मेरे को मोटिवेट करती है, मेरे साथ मिलकर काम करती है। मैं चाहूंगा कि ये भी दो शब्द बोले। थैंक यू। जय आरसीएम। दो पावर। जय आरसीएम। थैंक यू। मेरा नाम उशाकिरण है और मैं अपने फैमिली के साथ मिलकर बिजनेस को सीखती हूँ, करती हूँ, एंजॉय करती हूँ। आप देख सकते हैं। और आरसीएम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया का सबसे आसान, इजी बिजनेस और ऑलराउंडर बिजनेस अगर कोई है तो वो है आरसीएम। मतलब कि मैं अगर युवाओं की चाय पी रही हूँ या फिर चाय पिला रही हूँ तो मेरा बिजनेस हो रहा है, मैं घर का काम कर रही हूँ तो बिजनेस हो रहा है, मैं बात कर रही हूँ तो बिजनेस हो रहा है, मैं कहीं जा रही हूँ, तैयार हो रही हूँ तो भी बिजनेस हो रहा है। तो करना चाहिए सबको, तैयार सबको रहना है तो बिजनेस होगा। थैंक यू। जय आरसीएम। तो बनता है जय आरसीएम। यस, एक बार शानदार ताली मनीष सर के लिए। और हमारे पक्ष में मानिक मियां जी हैं जो सीआरपीएफ में नौकरी के साथ इस न्यूज को करते हैं। स्टार इमराल्ड नौकरी के साथ, तो एक बार तालियां इनके लिए भी मानिक। मैं सीआरपीएफ में नौकरी करते हुए बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू किया था और मुझे दिल्ली में आरसीएम की आंदोलनकारी को भगाने का ड्यूटी मिला था। और 2012 में ड्यूटी करते करते मुझे आरसीएम वालों से प्यार हो गया। मुझे एक ही बात समझ में आया, जिंदगी में 13 साल नौकरी करने के बाद मुझे दूर दूर तक कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आया। ऐसे में अगरतला से हो पूरे हिंदुस्तान में हमने ड्यूटी किए, लेकिन आरसीएम बिजनेस करने से पहले मुझे नौकरी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जब आरसीएम बिजनेस मुझे आंदोलन में समझ में आया तो मेरे को एक बात समझ में आया, अगर सिक्योरिटी लेना है तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपको होते हुए किसी और को जरूरत बन जाए। यस या नो? तो मैंने जब ऐसे देखे तो मैंने बोला यार, दारू बेचने वाला, गुटखा बेचने वाला सिक्योर है, क्योंकि वो लोगों को आदत बना चुका है। जो मर भी जाएगा तो गुटखा छोड़ेगा, उनके घर में पैसा जाएगा। तो मुझे कोई प्रोडक्ट की तलाश था जो लोगों की जरूरत था। तो मुझे गुटखा, तंबाकू का तो बात समझ में आया, लेकिन लोग जहर बेच के पैसा कमा सकते हैं। यस या नो? और आरसीएम का तो सारे प्रोडक्ट है जो लोगों को जीने का सिखाता है। तो मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, नौकरी के साथ साथ मैंने बिजनेस को 7 साल किया और 7 साल करके मैंने स्टार एमरल्ड बना। मुझे एक ही बात समझ में आया कि जब पैसे की जरूरत नहीं है तो पैसे कमा लो, जब प्यास नहीं लगता है तो कुआ खुद लो, जब जरूरत पड़ेगा किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। यस। 7 साल काम करते हुए मैंने इस लेवल पे पहुंचा और बहुत मजा आ रहा है। और इसी बिजनेस की बदौलत मैं 30 नवंबर को इस नौकरी को रिजाइन दे रहा हूँ। 20 साल मेरा नौकरी पूरा हो चुका है। अब अगले 20 साल आरसीएम पर सेना की तरह काम करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। जय आरसीएम। साथियों, जय आरसीएम। नाम राम रतन और मैं नवादा से बिलोंग करता हूँ और आरसीएम बिजनेस का लगभग 15-16 सालों का स्टूडेंट हूँ। सीख रहा हूँ, काफी मजा आ रहा है। आरसीएम बिजनेस करने से पहले मेरा काम जो था सिलाई का, सिलाई के काम के साथ ही बिजनेस मेरे जीवन में आया। सोच समझा, इस बिजनेस का फ्यूचर देखा, लगा कि इस बिजनेस के माध्यम से इंसान जीवन में आम से खास बन सकता है। फैसला लिया, काम करना आसान नहीं था, फैसला लेना और काम करना भी आसान नहीं था। बहुत सारे जीवन में चैलेंज आया। अभी सर जैसा बता रहे थे रवि सर कि हमारे जो संजीव गोइंका जी, मैं इनके लिए बहुत जोरदार तालियां चाहूँगा। इस बिजनेस में जब आप काम करेंगे तो बहुत तरह की समस्या आएंगी, आपको लगेगा कि मैं आज से बिजनेस को छोड़ छाड़ के पुराना काम पे चला जाऊँ। ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ था। मैं ऊपर वाले का थैंक्स करता हूँ कि सर विद्यापति भवन में शायद आज से 5-6 साल पहले आए थे प्रोग्राम देने के लिए, और सर ने डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस का जो विजन दिखाया था कि आने वाला दिनों में आरसीएम कहाँ होगा, अगर आप करोगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। सर की बातों को मैंने सुना, विजन को देखा, मुझे लगा कि अगर जो छोटी छोटी समस्या आ रही है, अगर मैं आरसीएम बिजनेस को छोड़ देता हूँ तो जो मैंने सपने बनाया था वो सपने शायद पूरे नहीं होंगे। और सर का विजन दिखाया हुआ हमें फिर से मोटिवेट किया, फिर से एनर्जी दिया, हमें फिर से अपना काम पे लग गया। और मैं साथियों आज जो है आपके बीच में फाउंडर स्टार इमराल्ड के रूप में हूँ। 756 से आरसीएम बिजनेस के सफर की शुरुआत हुई थी। जो फाउंडर स्टार इमराल्ड बने थे तो हमारी एक महीने की इनकम 2 लाख रुपए की थी। आरसीएम बिजनेस में जब मैं आया था तो बस एक ही चीज के देख कर आया था कि यहाँ पर आने के बाद लोग कार से चलते हैं। क्या चीज से चलते हैं? लोग हवाई जहाज से चलते हैं। उनकी जिंदगी शानदार और जानदार शानदार लाइफ स्टाइल होती है। तो मुझे लगा कि मैं भी काम करूंगा, दिन के जैसा बन जाऊंगा, लेकिन लगातार टिका रहा। बहुत डिमोटिवेट भी हुए, प्रोग्राम में आके मोटिवेट भी हुए, लगातार सीखता रहा। आवाज जो ड्रीम बना कर आया था इस बिजनेस में सारे के सारे ड्रीम पूरे हो चुके हैं साथियों, और आगे का जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए आज मैं सीखने के लिए आया हूँ। क्या करने के लिए आया हूँ? और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ साथियों कि जो शख्स को आज आप लोग सुनने आए ना, आज आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी जिंदगी बदल जाएगी साथियों। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर को सुनने के लिए। मेरी टीम के बहुत सारे साथी यहाँ पे आए, मैं उनको जबरदस्ती लाया हूँ। अगर जिंदगी में आके आपको आगे बढ़ना है तो एक बार गोइंका सर को सुन लीजिए, आप कभी भी जीवन में आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। एक दिन आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बनेंगे। थैंक यू साथियों, जय आरसीएम। बहुत ही शानदार इमराल्ड बनना चाहेंगे, जय स्टार इमराल्ड बनना चाहेंगे तो एक बार जितना ताली आप इनके लिए बजाएंगे उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जय आरसीएम। शांत हो गए, कामयाब बनना चाहते हैं। In the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come.